हाय गाइस, वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन विच आई गेट कि सर फट रही है, मेरे को लगता नहीं हो पाएगा। आई कैन सॉल्व द बुक बट आई कांट सॉल्व द क्वेश्चन द एग्जाम दिस एंड दैट। आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम विच आई हैव सीन फ्रॉम स्टूडेंट्स कि सर नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। ओके, आस्क एनीबॉडी हु हैव कन्वर्टेड JBIMS, आस्क एनीबॉडी हु हैव कन्वर्टेड IIMs, उनसे पूछो आपका लगता था कि हो जाएगा। सब चीज सब लोग यही बोलेंगे कि नहीं हो पाएगा। ओके, सब ने यही बोला है कि नहीं हो पाएगा। सो आस्क एनीबॉडी चिन्मय, थैंक यू, हु हैव कन्वर्टेड JB और हु हैव कन्वर्टेड IIMs, किसी को लगता है कि हो पाएगा। ओके, आई विल गिव वन सिंपल सॉल्यूशन फॉर दैट। सी, आई डोंट नो अबाउट यू बट मी बीइंग अ इंजीनियर, आई हैव नेवर गिवन एनी एग्जाम इन माय लाइफ, 4 years ऑफ इंजीनियरिंग, विद कॉन्फिडेंस कि पास होके आऊंगा। ओके, उसको एग्जैक्टली यानी कि तो उल्टा भी होता है। हाँ, जिसको लगता है कि वो हो जाएगा उसको प्रॉब्लम आ जाएगी, या तो इसलिए चुपचाप बैठे रहो। एग्जैक्टली, इंजीनियरिंग में मैंने कभी एग्जाम नहीं दिया जिसमें लगा होगा तुम्हें पास हो क्या गया। इफ एनीबडी आस्क मी ना कि भाई तू पास होगा, यू नो व्हाट आई यूज्ड टू से, भाई वो तो एग्जाम देने के बाद पता चलेगा। फाइन, हाँ नेगेटिव नहीं होना यार। एग्जैक्टली, श्रुतिक, आई डोंट रिकमेंड टू बी नेगेटिव। फाइन, बी पॉजिटिव, बी न्यूट्रल एटलीस्ट। ओके, सो सेम थिंग इज हियर एज वेल। आप पास होगे के फेल होगे वो एग्जाम वाले दिन डिपेंड करता है। दिस इज अ कंप्लीट सिलेबस फॉर द सीईटी एग्जाम, दैट्स अ कंप्लीट सिलेबस फॉर द एग्जाम ऑफ कैट। हमारा काम है टू कंप्लीट द सिलेबस, हमारा काम है लेट गो थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स एंड कवर देम। फाइन, सिंपल वे, आई रिकमेंड डूइंग 30 to 50 क्वेश्चन पर चैप्टर। फाइन, 30 to 50 क्वेश्चन चैप्टर पर चैप्टर इज बेस्ट वे टू कंप्लीट द सिलेबस फॉर एवरी चैप्टर। 30 to 50 क्वेश्चन, विल यू बिकम एक्सपर्ट इन द टॉपिक? नो, ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करके तुम एक्सपर्ट बन गए, नहीं। बट आफ्टर डूइंग 50 क्वेश्चन, डू 30 क्वेश्चन, डू 20 क्वेश्चन, बट प्रॉमिस मी वन थिंग, इफ एनी ऑफ दिस 20 और 30 और 50 क्वेश्चन यू हैव डन, अगर एग्जाम में दिखा, यू शुड नो हाउ टू सॉल्व। यू कांट सॉल्व द कंप्लीट पेपर, प्लीज। पूरा पेपर करना भी नहीं है। ओके ओके, आपको सिर्फ कट ऑफ ले करनी है। फाइन, सो दैट आप कम करो चलेगा, डू लेस, बट डू इन सच अ वे दैट यू कैन, इफ दैट क्वेश्चन कम इन द एग्जाम, यू कैन डू एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू माई एग्जाम्पल, ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग डेज, लेट्स से आउट ऑफ 5 क्वेश्चन I used to study only for 4 questions. मेरे को 5 by 5 करना भी नहीं है, चार मतलब my target is only 80%, उसके ऊपर कभी जाएगा भी नहीं। And my engineering average was 70%, so I maintained that average. Okay, so do less, you are never going to feel confident. Guys, please don't copy paste. I can give you one thing in writing, you can never become confident of the exam. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेकर ऑफ द कॉन्फिडेंस इज योर मॉक्स। कभी मॉक्स अच्छा जा रहा है, कभी मॉक बेकार आया। लाइक आई गॉट 80, सेकेंड मॉक्स आई गॉट 90, थर्ड मॉक आई गॉट 100। लाइक ओ माई गॉड, नेक्स्ट मॉक में कितना आएगा? आई एक्सपेक्टिंग 110 बट आई गॉट 75। पूरा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे, पूरा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे, लाइक गोइंग अप टू द रूफ एंड देन जम्प। सो यू विल नेवर फील कॉन्फिडेंट। All I request you do is, आप कम क्वेश्चन करो, गो फॉर क्वालिटी। समवन जस्ट सेड गो फॉर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली माई ब्रदर, कम करो। सॉरी सिस्टर, दीदी, दीदी ने बोला था कमेंट, तो कम करो, लेकिन ऐसा करो कि कल को वो कौन से एग्जाम में दिखा तो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व। सिंपल सिंपल। ओके, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आने वाला। मेरे को 4 साल इंजीनियरिंग में नहीं आया कॉन्फिडेंस। यार आप उल्टा सोचो ना यार, सपोज आई वाज अ टॉपर लास्ट ईयर, सपोज, सोच के अच्छा लगता ना। ओ यार, सपोज आई वाज अ टॉपर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आई गॉट 99.99। इफ यू टेल दिस गाय कि इस बार जाके दोबारा 99.99 लेके आ, उसको रात को नींद नहीं आएगा यार। ऑब्वियसली टॉप करने को दोबारा बोलोगे, रात को नींद नहीं आएगा उसको। Are you getting my point? What I'm trying to say now is, के
all I want from do is only do that much. So Suraj, yes, those who are going for the CAT exam, complete orange books. Those who are going for the CET exam, complete black book. आगे तुम्हारी किस्मत. All right. Simple.